तो देखो आज की वीडियो है सिर्फ और सिर्फ टैबलेट के बारे में। अरे ये नहीं, ये वाला टैबलेट, ग्राफिक टैबलेट। यार ग्राफिक टैबलेट के बारे में बात करेंगे। ग्राफिक टैबलेट आपके लिए क्यों जरूरी है, किस वजह से जरूरी है, एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए, आर्टिस्ट के लिए, या अगर आप इलस्ट्रेटर हो इसके लिए ग्राफिक टैबलेट बहुत जरूरी है। कुछ पॉइंट्स पर हम बात करेंगे कि किस वजह से ग्राफिक टैबलेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है आपके लिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला पॉइंट आता है ड्राइंग। देखो ड्राइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर फॉर ड्राइंग टैबलेट। सीधी सी बात है, जारी सी बात है, ये तो सबको पता है कि ड्राइंग के लिए तो जरूरी है ही है, क्योंकि एक पेन है उसका कंट्रोल इजी है, जबकि माउस से उस तरीके से आप नहीं कंट्रोल किया जा सकता। आप पेन से इसलिए ड्रा कर सकते हो, माउस से नहीं ड्रा कर सकते। सीधी सी बात है, कोई वो लंबी चौड़ी बात ही नहीं। जब भी आपको किसी चीज़ के लिए ड्रा करना हो, कुछ बनाना हो, किसी भी चीज़ की जरूरत हो, तो आप आराम से एक पेन पकड़ोगे और आराम से आप ड्रा करके पतली गली से निकल जाओगे, आपका काम हो जाएगा। बस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की फैक्टर है एक ग्राफिक टैबलेट लेने का, जबकि आप माउस पर आप आराम से चीज़ें नहीं बना सकते, आपको बहुत ही मुश्किल होगा, बल्कि इवन बना ही नहीं सकते, आप कुछ ड्रा कर ही नहीं सकते माउस से। अगर आप करने भी जाओगे तो वो बहुत ही अजीब सा हो जाएगा। मैं इधर अभी बना कर दिखा देता हूँ, नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, लेकिन जबकि आप टैबलेट से बड़े आराम से बना सकते। दूसरी बात हम करते हैं प्रेशर एंड सेंसिटिविटी। देखो माउस में क्या होता है कि सिर्फ 0 और 1 होता है, ठीक है, उसमें वैल्यू होती है 0 और 1 की, मतलब आपने बटन प्रेस किया, ड्रैग किया और बस, ठीक है, उतना ही काम करता है बस। और वो क्या उसको कहते हैं, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आप लाइन कहीं पर ब्रेक कर रहे हो, कहीं से मोटी कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर सकते, आपका सिर्फ 0 और 1 ही है। जबकि पेन में आपका कम्प्लीटली एक प्रेशर सेंसिटिविटी होती है। पेन में ऐसा है कि जितना आप प्रेस करते हो उतनी लाइन मोटी हो जाती है, और जितना आप मतलब कम प्रेस करते हो वो लाइन ऐसा ऐसा बारीक होना शुरू होती है, इस तरीके से जैसे मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। ये चीज़ माउस से नहीं हो सकती, कि ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए तो नहीं इतना इंपॉर्टेंट ये वाली चीज़ स्पेसिफिकली, लेकिन ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप एक आर्टिस्ट हो, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बना जाती है। आप आराम से चीज़ें बना सकते हो, ये ऐसे काम करती है जैसे आप एक पेंसिल से कंपेयर कर सकते हो, एक जो लेड पेंसिल होती है उससे कंपेयर कर सकते हो, या एक मार्कर से कंपेयर कर सकते हो, बल्कि उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी ये चीज़। और जबकि आप माउस से ये चीज़ कभी भी नहीं अचीव कर सकते। तीसरी चीज़ पर बात करते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि चीज़ें बहुत ही डेप्थ में आप बना स्कीन करो, आपकी सोच का लेवल अलग हो जाता है जब आपके हाथ में ग्राफिक टैबलेट होता है। जब आप चीज़ें माउस से बनाते हो तो ठीक है, बन जाती हैं यार, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप टैबलेट्स बनाते हो तो आप एक छोटी छोटी डिटेल पर भी काम कर सकते हो, आप एक छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन भी सही तरीके से पकड़ सकते हो। जैसे कि हमने शेडो डालना है या फिर कुछ इफेक्ट डालना है, वो एक स्पेसिफिक एरिया पर डालना है, उसको बस हल्का सा करना है, या आपको वो इफेक्ट एक नेचुरल तरीके से दिखाना है, तो आप बड़े आराम से इससे कर सकते हो, जो कि माउस से बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। ये चीजें ऐसे बताने से भी इतना अच्छा आपको शायद ही समझ लगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल इसको यूज करेंगे आपको बहुत ज्यादा फर्क महसूस होगा, आपका दिमाग खुल जाएगा कि ऐसे चीजें आप कर सकोगे जो आपने पहले कभी सोची भी नहीं। तो इसलिए अगर आप प्रोफेशनल काम करना चाहते हो आपको एक ग्राफिक टैबलेट की जरूरत है, आप बहुत ही डेप्थ में और बहुत ही प्रोफेशनल किस्म का काम कर सकते हो। चौथी चीज के बारे में बात करते हैं, चौथी चीज है रिटच। अब देखो रिटचिंग ऐसी चीज है कि आप स्किन पर टेक्चर्स वगैरह को मेंटेन कर सकते हो टैबलेट से, जबकि माउस से टेक्चर्स खराब हो सकते हैं या फिर आपको मुश्किल भी हो सकती है। हाँ आई नो आप टूल मैटर इतना नहीं करता, लेकिन मैटर करता भी है, आपका काम फास्ट हो जाता है, आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अगर कोई भी छोटी मोटी खराबी है स्किन में, या फिर कुछ स्पॉट्स हैं स्किन में, या फिर आपने रिटचिंग अच्छे तरीके से करनी है, डेप्थ में करनी है, आप आराम से या टैबलेट से कर सकते हो, माउस से थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। अगेन मुश्किल हो सकती है, मैं बता रहा हूँ, इस वर्ड का मैं बार बार यूज इसलिए कर सकता हूँ कि ये चीजें माउस से हो सकती है, लेकिन टैबलेट से बड़ी आसानी से हो सकती है। वर्थ इट है, चीज वर्थ इट है, इतना बता रहा हूँ। मुझे किसी टैबलेट वालों ने पैसे नहीं दिए, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज वर्थ इट है, एक दफा जरूर ट्राई करो। पांचवी चीज आती है डिजिटल पेंटिंग। अब डिजिटल पेंटिंग आप बिल्कुल भी माउस से नहीं कर सकते। एक मैंने यूट्यूब पर वीडियो देख रही है, एक बंदे ने माउस से बनाई थी। हाँ अगर आपके पास टैलेंट है तो टूल इतना मैटर नहीं करता, लेकिन यार बात वही आती है, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, जबकि आप ग्राफिक टैबलेट से बड़े आराम से वो चीज
अचीव कर पा रहे थे और वो उस लेवल की भी नहीं होती, सही बताऊँ तो उस लेवल की वो नहीं थी। यूट्यूब पर आप सर्च करोगे आपको मिल जाएंगी वीडियोस, लेकिन वो उस लेवल की नहीं थी जो आप टैबलेट से वो लेवल अचीव कर सकते हो। सही हो गया। डिजिटल पेंटिंग दरअसल ऐसा है कि उसमें प्रेशर सेंसिटिविटी वही जो पहले वाली चीज़ आती है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो आप एक एक चीज़ को एक एक शेड को आराम से बना सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैनिपुलेट से याद आया अगली चीज़, इसी बारे में हम बात करते हैं, मैनिपुलेशन और एडिटिंग के बारे में। देखो जब आप फोटोशॉप में एडिटिंग करते हो तो अक्सर माउस से ये होता है कि आपको सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है, आप अच्छे तरीके से कुछ चीज़ें सेलेक्ट नहीं कर पाते, लाइक हेयर्स हो गए, ठीक है, आप अच्छे तरीके से सेलेक्ट नहीं कर पाते, या फिर ऐसा होता है कि कॉर्नर्स रह जाते हैं, या ऐसा क्या उस कहते हैं, अच्छे तरीके से, इसी बात है, अच्छे तरीके से आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। वो चीज़ आप बड़े आराम से एक ग्राफिक टैबलेट से आप सिलेक्शन कर सकते हो। ये तो एक छोटी सी मामूली सी बात है, लेकिन इससे आगे बढ़ो, अगर आपको लाइट्स, फेक लाइट, फेक शेडो और डेप्थ वगैरह डालनी हो, आप बड़े आराम से इससे कर सकते हो, जबकि माउस से उस लेवल का रिजल्ट नहीं आप कर सकते। अब देखो बात यह है कि आपको ग्राफिक टैबलेट, जरूरी नहीं कि आप वैकम कर लो, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, वैकम का ना लो, वो थोड़ा सा महंगा हो सकता है आपके लिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप एक दफा थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लो, ठीक है, चाइनीज वाला ले लो, ऐसे आराम से मिल जाता है, तकरीबन 13,000 का आराम से मिल जाता है, 13-14,000 का ह्यून का एक्सवी पेन का, बड़ा अच्छा सही काम करता है, सही बताऊँ तो सही काम करता है। थोड़ा सा क्वालिटी में फर्क है, उसमें ये होता है कि क्रैशेज वगैरह जल्दी आ जाती हैं, लेकिन वो काम सही तरीके से करता है, सही बता रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ ह्यून का, कसम से बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं इधर कुछ चीज़ें बनाकर भी दिखा रहा हूँ आपको, जो कि आपको पता लगेगा कि हाँ ये चीज वर्थ इट है, आपको लेनी ही चाहिए। तो देखो यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार शेयर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दो, कहीं से भी नए आए तो। बस आज के लिए इतना ही, थोड़ी सी छोटी वीडियो थी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और अच्छी वीडियो बनाएंगे और अच्छी क्वालिटी लाएंगे, बस थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, इस चैनल को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। सिर्फ उन्हीं दोस्तों को शेयर करना जो वाकई इंटरेस्टेड है ग्राफिक डिजाइनर के लिए, उन लोगों को बिल्कुल शेयर मत करना जो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मुझे टीम चाहिए, मुझे एक फैमिली चाहिए जो मेरी वीडियोस देखे कंसिस्टेंसी के साथ। अगर मैं वीडियोस अपलोड करूं तो उनको पता हो हाँ ये वीडियो आई है, हमारे काम की है, अगर मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूं तो आप वीडियो देखोगे, बस इतनी सी बात है। ओके, बात समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो बात नहीं, चलता हूँ अगली वीडियो में, मिलेंगे, टाटा, अल्लाह हाफिज़।